एपिसोड के स्टार्टिंग में लूची एक बड़े से लेपर्ड में बदल जाता है और बोलता है कि यह है मेरा असली रूप, जिसे देखकर सब लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और बोलते हैं कि वो तो बहुत ज्यादा बड़ा है। फिर यहाँ पर बिल्डिंग के नीचे का सीन दिखाया गया जहाँ पर आग लग चुकी होती है और सब लोग उसे देखकर बोलते हैं कि ये सब उन सारे पायरेट्स ने करा, इसलिए जल्दी करो, हमें जाकर आइसबर्ग सैन को बचाना होगा। फिर यहाँ पर वापस से लूची को दिखाया गया जो बोलता है कि बिल्डिंग में आग फैलना शुरू हो गई है और कुछ देर बाद ये पूरी तरह से तबाह हो जाएगी और साथ ही CP9 के सबूत भी, जिसे सुनकर वो शिपराइट लूची से बोलता है कि तुम जो भी हो पर आइसबर्ग सैन को अगर कुछ करा तो नहीं बचोगे। पीछे से चौपर लूची को देखकर बोलता है कि वो बिल्कुल मेरी ही तरह है, एक जोन टाइप, जिसे सुनकर लूची बोलता है कि हाँ, दुनिया में 3 तरह के डेविल फूट यूजर मौजूद हैं, लूंगिया टाइप, जोन टाइप और पारामीटिया टाइप, पर जोन टाइप वो हैं जो आकार और शरीर बदल सकते हैं और साथ ही CP9 की सख्त ट्रेनिंग और ये जोन टाइप डेविल फूट की पावर मुझे और ज्यादा ताकतवर बना देता है। वैसे ये सब छोड़ो, हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं बचा, इसलिए मुझे बिल्डिंग तबाह होने से पहले ही तुम सबका कुछ करना होगा। पीछे से खलीफा लूची से बोलती है कि कुछ लोग ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे सुनकर लूची बोलता है कि चिंता मत करो, वो यहाँ तक नहीं आ पाएंगे, और ये कहने के बाद वो अपनी लात हवा में मार देता है, जिसकी वजह से पूरी की पूरी गैलीला कंपनी की बिल्डिंग ही टूट गई। सब लोग ये सब देखकर बोलते हैं कि सब नीचे चलो, हम ऊपर नहीं जा सकते। फिर यहाँ पर वापस से रूम के अंदर का सीन दिखाया गया जहाँ पर चौपर नामी को पत्थरों से बचाने के लिए उसे दूर फेंक देता है। यहाँ पर वो शिपराइट आइसबर्ग सैन के पास जाकर उनसे बोलता है कि आप चिंता मत करना, मैं आपको बचा कर रहूँगा, और ये कहने के बाद वो वहाँ से जाने वाला होता है, पर ये क्या, उसके सामने है CP9। वो शिपराइट ये देखकर बोलता है कि मैंने तुम सबको अपना दोस्त समझा था पर तुम सब ने ये सब कर दिया, जिसे सुनकर लूची बोलता है कि वो बस तुम अकेले ही थे जिसने सोचा कि हम कभी दोस्त थे, और ये कहने के बाद वो उसके पास जाने लगता है, पर तभी पीछे से लूफी उसे पंच मार देता है और उसके ऊपर फिर से हमला करने के लिए जा रहा होता है, पर इस सबसे पहले लूफी और कुछ कर पाता, लूची लूफी पर अपने फिंगर पिस्टल से हमला कर देता है और फिर उसने लूफी को पकड़कर उसे बिल्डिंग से बाहर फेंक दिया। सोरो ये सब देखकर लूची पर हमला करने के लिए जा रहा होता है, पर उसने सोरो को भी मार के उसे भी बिल्डिंग से बाहर फेंक दिया, और इस सब के बाद वो नामी को देखकर बोलता है कि तुम भी बाहर निकलो। फिर यहाँ पर दादी कोकोरो को दिखाया गया जो गैलीला कंपनी की बिल्डिंग को देख रही होती हैं और बोलती हैं कि वहाँ आग लग गई, पर मैं आशा करती हूँ कि सब चीज ठीक रहे, जिसे सुनकर वो छोटी लड़की बोलती है कि क्या आप जानती हो कि ये सब कैसे हुआ। दादी कोकोरो ये सुनकर बोलती हैं कि ये सब उस चीज के लिए हो रहा है जो दुनिया में होनी ही नहीं चाहिए थी। फिर यहाँ पर CP9 को दिखाया गया जो गैलीला कंपनी की जलती हुई बिल्डिंग को देखकर बोलते हैं कि ये सब पायरेट्स ने करा, सबको यही लगेगा, और साथ ही अलविदा आइसबर्ग सैन, आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो पर वर्ल्ड गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते, और इस सब के बाद वो सब बोलते हैं कि तो फिर ठीक है, चलो अब फ्रेंकी के पास चलें और वो ब्लूप्रिंट ले लें। फिर यहाँ पर गैलीला कंपनी वालों को दिखाया गया जो नामी को जमीन पर पड़ा हुआ देखकर बोलते हैं कि ये लड़की तो उन्हीं में से एक है, पर अभी हम इसका क्या करें, जिसे सुनकर पीछे से एक आदमी बोलता है कि जब ये जगेगी तब हम इसके मेंबर्स के बारे में पूछेंगे और फिर उन सबको पकड़कर नेवी को दे देंगे। फिर यहाँ पर फ्रेंकी के साथियों को दिखाया गया जो चिल्लाकर बोलते हैं कि स्ट्रॉहैट लूफी, हमने तुम्हारे लंबी नाक वाले दोस्त को फिर से पकड़ लिया, और अगर उसे बचाना चाहते हो तो फिर ब्रिज के नीचे आ जाओ, और तभी पीछे से वहां पर लूची आ जाता है और उन सब से बोलता है कि सुनो, मुझे फ्रेंकी का पता बताओ, जिसे सुनकर वो सब बोलते हैं कि वैसे आखिरकार तुम हो कौन,
रुचि ये सुनकर बोलता है कि चुपचाप उनका पता बता दो, जिसे सुनकर वो सब बोलते हैं कि शायद तुम्हें पिटना है, और ये कहने के बाद वो सब लुचि की तरफ चले गए। फिर यहाँ पर फ्रैंकी को दिखाया गया जो उसॉप की कहानी सुनकर रोने लगता है और बोलता है कि क्या तुमने अपने दोस्तों को छोड़ दिया बस एक शिप के लिए, उन दोस्तों को जिनके साथ तुमने अब तक सफर करा। उसॉप ये सुनकर बोलता है कि तुम्हारा इस सब से कोई लेना देना नहीं, पर वैसे तुम इस बात को समझ गए होगे कि उनमें से कोई भी नहीं आने वाला। फ्रैंकी ये सुनकर बोलता है कि हाँ मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे लिए एक गाना गाता हूँ, जिसे सुनकर उसॉप बोलता है कि बकवास करना बंद करो। फ्रैंकी उसॉप से बोलता है कि अच्छा तो मैं अब समझा, तुम अपनी शिप के लिए वो 200 मिलियन ले रहे थे, पर वैसे अब तुम काफी ज्यादा गुस्सा होने वाले हो, पता है क्यों? क्योंकि मैंने वो 200 मिलियन खर्च कर दिए। जिसे सुनकर उसॉप बोलता है कि तुम चाहते क्या हो, क्या मैं तुम्हें मारूं? फ्रैंकी उसॉप से बोलता है कि मुझे माफ कर देना, मुझे नहीं पता था कि वो पैसे तुम्हारे लिए इतने ज्यादा जरूरी थे, पर हाँ तुम्हारे उन दोस्तों ने भी हमारे साथियों को बहुत मारा और साथ ही हमारा घर भी तोड़ दिया। और उसॉप ये सब सुनकर पहले की बातें याद करने लगता है। पीछे से फ्रैंकी बोलता है कि वैसे ये सब छोड़ो, वैसे अब तुम अकेले हो तो अब आगे क्या करोगे, और अगर तुम्हारे पास कोई प्लान नहीं तो हमें ज्वाइन कर लो। जिसे सुनकर उसॉप बोलता है कि तुम्हारा शुक्रिया, पर मैं अभी भी एक पायरेट ही हूँ। फ्रैंकी उसॉप की बातें सुनकर बोलता है कि मैं फिर से एक गाना गाना चाहता हूँ एक दिलदार पायरेट के लिए। जिसे सुनकर उसॉप बोलता है कि मेरा मजाक बनाना बंद करो। फ्रैंकी उसॉप से बोलता है कि वैसे तुम यहीं पर अपनी शिप छोड़कर जा सकते हो, क्योंकि ये जगह काफी ज्यादा ऊपर है तो पानी यहाँ पर नहीं आने वाला। जिसे सुनकर उसॉप बोलता है कि तुम्हारा शुक्रिया, वैसे मैंने सुना है कि एक्वा लगुना हर साल आती है। फ्रैंकी ये सुनकर बोलता है कि हाँ पर अब तो सबको इसकी आदत पड़ गई है, पर चिंता की बात तो ये है कि हर साल इसका पानी का लेवल बढ़ता जा रहा था, और इसी की वजह से अभी के समय में कुछ बिल्डिंग पानी के अंदर चली गई, और ऐसा चलता रहा तो किसी दिन ये आइलैंड काफी ज्यादा छोटा हो जाएगा, पर क्योंकि हमारे पास सी ट्रेन पहले से ही है तो लोगों को बिल्कुल भी डर नहीं लगता, क्योंकि वो कभी भी कहीं भी जा सकते हैं, और ये सब पहले बिना ट्रेन के काफी ज्यादा मुश्किल था, और फिर सी ट्रेन आई और तब से लोग वाटर सेवन में बिना डर के रहने लगे। वाटर सेवन फिर से जिंदा हो गया बस उस महान शिपराइट टॉम की वजह से। फिर यहाँ पर CP9 को दिखाया गया जो उन सब फ्रैंकी ग्रुप वालों को हराने के बाद फ्रैंकी के पास जाने लगते हैं ताकि ब्लूप्रिंट ले सकें।